जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ क्लास वाई सी के में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण मंदिर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण मंदिर को डिस्कस करेंगे। आप लोग को पता ही होगा कि भारत में मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन हम लोग उस मंदिर को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोग के लिए ऐसे 20 मंदिर को लेकर आए हैं जो पिछले गत वर्षों के परीक्षा में आए हैं तथा आते ही रहेंगे। ठीक, इस सेशन के देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस 20 मंदिर के अलावा कोई मंदिर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो है, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन पर। क्वेश्चन नंबर चार है, रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच पर। क्वेश्चन नंबर पाँच है, पलानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो पलानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः पर। क्वेश्चन नंबर छः है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात पर। क्वेश्चन नंबर सात है, अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ पर। क्वेश्चन नंबर आठ है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ पर। क्वेश्चन नंबर नौ है, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तथा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस। क्वेश्चन नंबर दस और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट में,
इस सेशन का अगला पार्ट पार्ट दो आएगा, उसमें और क्वेश्चन को डिस्कस कर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण मंदिर के साथ। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोग यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।